हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है ये पैनासोनिक का होम थिएटर है, जो कि बहुत ही पावरफुल होम थिएटर माना जाएगा। ये घर यूज के लिए 8 इंच का इसमें सब ऊपर लगा हुआ, और इसमें 7265 नंबर का आईसी लगा हुआ, जो 50 से 60 वाट के आसपास आउटपुट ये निकालता है। ये टोटल होम थिएटर जो है फ्रेंड आपका 80 वाट का ये होम थिएटर है। तो एक आईसी आपका 40 से 50 वाट का आईसी इसके अंदर लगी हुई है, और इस वीडियो में आपको क्या जो प्रॉब्लम हो रही है इस होम थिएटर में उसके बारे में बात करेंगे, और आईसी को रिप्लेस करके आपको दिखाएंगे एक आईसी में जो है इससे होम थिएटर में फॉल्ट आई है। ये जो बाहर वाले स्पीकर है, ये स्पीकर एक तरफ का लेफ्ट राइट या लेफ्ट बोलेंगे, लेफ्ट राइट होती है, तो लेफ्ट चैनल बज रही और राइट चैनल में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, ये मॉडल है आपका, ये सारा चीज़ डिटेल है, तो ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो ऐसा कोई भी होम थिएटर में प्रॉब्लम ऐसा आ जाता है फ्रेंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड बहुत ही आसान तरीका है मेरे पास। तो चलिए इस होम थिएटर को ओपन करते हैं और आपको रिपेयर करके दिखाते हैं इजीली। तो कोई भी होम थिएटर, उसमें मेन चीज़ होती है सर्किट बोर्ड और पावर सप्लाई या ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे लाइन आ रही है, इसमें सिर्फ आवाज़ का ही प्रॉब्लम आ रहा है, बेस बज रहा है लेकिन आउटपुट इसमें साउंड नहीं मिल रहा है। और जब चारों स्पीकर लग जा रही है तो होम थिएटर में कुछ अलग ही टाइप का होमिंग टाइप का आवाज़ आने लग रही है। तो आईसी ख़राब होने की वजह से यहाँ पे स्पीकर भी आपका ख़राब हो सकता है। तो इस होम थिएटर में क्या हुआ था कि आईसी ख़राब हुआ, उसके बाद इसके स्पीकर भी ख़राब हो गई थी, तो स्पीकर भी आपको चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि आईसी चेंज करने से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है कभी कभी। तो यहाँ पे स्पीकर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, स्पीकर अगर सही तरीके से नहीं बज रहा आईसी चेंज करने के बाद तो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो आईसी है, यहाँ पे एक आईसी आपका जो है ख़राब है, बेस वाली यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे स्पीकर लगा के कौन सा मेरा स्पीकर का आईसी है, क्योंकि एक तरफ का आवाज़ आ रही थी। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं बेस तरफ का, बेस वाला स्पीकर का कनेक्शन कौन सा आईसी में गया हुआ। यहाँ पे रेड और ब्लैक वाली बेस वाली कनेक्शन है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्पीकर लगा के चेक कर रहा हूँ। तो एक आईसी यहाँ पे प्रॉब्लम है, अर्थात कोई एक आईसी में अगर हाथ रखेंगे बेस वाला पॉइंट में जो आवाज़ आ रही है उसमें, उस आईसी को छोड़ के सेकंड वाले आईसी को यहाँ पे चेंज करना है फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए, स्पीकर वाले आईसी में चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पीकर में आवाज़ आ रही है, ये स्पीकर वाली आईसी है। और ये जो सेकंड वाली, अगर सेकंड वाले में मैं हाथ रखता हूँ तो अभी नहीं रखा हूँ, और अगर रखता हूँ तो बूफर की आवाज़ आएगी यहाँ पे। तो ये है इस होम थिएटर में प्रॉब्लम, एक चैनल में आवाज़ आ रही है, एक चैनल में प्रॉब्लम कर रही है। तो चलिए इस आईसी को रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इससे होम थिएटर में नहीं आया है। और इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो फ्रेंड आईसी को रिप्लेस कर दें, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक तरफ का आईसी पूरा तरीके से स्पीकर में, स्पीकर को जला देगा, स्पीकर ख़राब हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं इस आईसी को चेंज करेंगे। तो चलिए, आईसी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर डिसोल्डर पंप या डिसोल्डर वायर या हमारे जैसे कोई नॉर्मल वायर से भी यहाँ पे डिसोल्डरिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक नॉर्मल सा वायर ले लिया हूँ। अरे, ये नॉर्मल सा वायर से मैं यहाँ पे डिसोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल सा वायर से यहाँ पे इजीली यहाँ पे डिसोल्डरिंग हो जाएगा आपका। तो चलिए आगे वीडियो में डिसोल्डरिंग करके आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने डिसोल्डिंग कर लिया हूँ और हमारा आईसी भी निकल चुका है, और थोड़ा सा यहाँ पे क्लीनिंग कर लेते हैं। जो भी सोल्डिंग वायर है इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद यहाँ पे थिनर से क्लीनिंग करेंगे, नक पॉलिश रिमूवल, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये मार्केट में चलिए 15 से 20 रुपए के अंदर आपको कहीं भी मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा जो क्लीन हो जाता है, ये हमारा नक पॉलिश सेम इस तरह का नक पॉलिश होना चाहिए। रिमूवल ये सेम रहेगा तभी काम करेगा, क्योंकि ये ब्रांड का ही सही तरीके से काम करता है, अदर ब्रांड नहीं काम करता है। देखिए हमारा पीसीबी पूरी अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे क्लीन कर लिया हूँ, तो आप भी इजीली यहाँ पे क्लीन कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे न्यू आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और होम थिएटर का प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करके दिखाएंगे। और होम थिएटर में इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड, जल्दी से किसी किसी होम थिएटर में डिफ़िकल्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन इतना जल्दी कोई डिफ़िकल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं आती फ्रेंड। तो आईसी का ही प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे मेरे पास पुराना आईसी था, पुराना आईसी को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और ये दो आईसी है, एक मैंने निकाला और एक हमारे पास ये पुराना वाला आईसी है, जो मेरे पास कोई पुराना बोर्ड था उसी का खोल के मैं लगा रहा हूँ। ये हमारा सही आईसी है, और आईसी के पीछे में आपको हीट सिंक पेस्ट लगाना ज़रूरी है, जिससे कि आपका आईसी कूल रहे और जल्दी ख़राब ना हो। तो चलिए फ्रेंड, मैंने हीट सिंक पेस्ट लगा लिया, आपने भी लगा लिए होंगे अगर ऐसा प्रॉब्लम है। तो आप भी हीट सिंक पेस्ट का ज़रूर यूज करें, कोई भी होम थिएटर हो या कोई भी आईसी हो, उसमें बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे क्वालिटी, जितना अच्छे क्वालिटी का यूज करेंगे उतना अच्छे आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हीट सिंक पेस्ट से आपका आईसी का जो हीट है उतनी अच्छे तरीके से कंज्यूम कर पाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आईसी को लगाते हैं। ये हमारा आईसी है, यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। इजीली यहाँ पे आईसी आप लगा लेंगे, क्योंकि बोर्ड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए मैं यहाँ पे हीट सिंक प्लेट में स्क्रू को टाइट करेंगे और लगा के आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पे जो पहली बार और वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और अपना होम थिएटर का प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे ही प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो आती रहती है। तो चलिए यहाँ पर सोल्डरिंग करेंगे आईसी में, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफ़िकल्ट है नॉर्मल, और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इस होम थिएटर में नहीं होती है या लगभग होम थिएटर में, और किसी कारण बस किसी बोर्ड में डिफ़िकल्ट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अलग ही प्रॉब्लम है, वो जल्दी से नहीं बनता, उसमें नया मदरबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन होता है कि इसके होम थिएटर के साथ कौन सा बोर्ड मैच कर दें, क्योंकि आगे में अलग ही वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम लगी हुई है, जो कि मार्केट में नहीं मिलेगा, जो कि ये आपको ओरिजिनल सर्विस सेंटर से ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो आगे जो है इस सब चीज़ में कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना आपको, नॉर्मली आईसी को चेंज करना है। उस आईसी चेंज करने के बाद आपको देखना है कि हमारा जो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, 100% जो है आपका ये सॉल्व हो जाएगा। किसी कारण बस प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, वो आपका कुछ अलग ही दिक्कत हो सकता है। पहले तो मैंने आउटपुट स्पीकर का बात किया, जो कि स्पीकर आप अपना दूसरा लगा के चेक करेंगे, उस स्पीकर में चेक करेंगे साउंड, और स्पीकर ख़राब होगा तो स्पीकर चेंज कर देंगे, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं ये नक पॉलिश रिमूवल से पूरा आईसी को क्लीन कर दिया, देखिए हमारा बोर्ड जो है पूरा नया की तरह दिख रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, अब इसको लगा के आपको चेक करके दिखाएंगे हमारा जो होम थिएटर में साउंड आ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और ऐसे वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं, ये प्रॉब्लम आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, और मैं लास्ट में वीडियो में चेक करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे।